नमस्कार दोस्तों, मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएस पॉइंट पर। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग आधुनिक विश्व में चरवाहों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें हमने देखा था कि जो भारत के चरवाहे थे, यानी कि जम्मू कश्मीर में हमने चरवाहों के जीवन के बारे में देखा, राजस्थान के चरवाहों के बारे में हमने देखा, लाइक दैट उत्तर प्रदेश के भी चरवाहों के बारे में हमने एक तरीके से पढ़ा और देखा कि किस तरीके से जो उनका जीवन था, किस तरीके से वो चलता था, और फिर औपनिवेशिक शासन काल आने के बाद उनके जीवन पर किस तरीके से क्या क्या प्रभाव पड़े थे। तो फिर हमने बात की थी अफ्रीका के चरवाहों के बारे में। तो देखिए, मैं आप लोगों को अफ्रीका के बारे में एक फैक्ट बता दूं। तो देखिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए, तो अफ्रीका में जो चरवाहे हैं तो वो पूरे विश्व की जनसंख्या, जो हमारे पूरे विश्व की पॉपुलेशन है यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसका मात्र 1% है। यानी कि 1% जो चरवाहे हैं वो अफ्रीका में रहते हैं। तो चारागाहों का क्या हुआ? तो चारागाहों का अब देखिए, तो जिन्होंने हमारी वीडियो के पहले पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहले वीडियो को देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यानी कि वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गोन, यानी कि चारागाहों का क्या हुआ। तो मसाई की सबसे बड़ी क्या समस्या थी? तो देखिए, तो मसाई क्या था, अब पहले हम मैप पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। तो देखिए, पूरा का पूरा मैप है जो कि एक तरीके से अफ्रीका का है, तो इसमें मसाई आप क्षेत्र देख सकते हैं। अब आपने देख ही लिया, अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर पर। तो देखिए, तो मसाई की सबसे बड़ी क्या समस्या थी, यानी कि एक तरीके से जो लॉस था उसका क्या था। तो उसके दिनों दिन, यानी कि जो चरागाह थे, यानी कि ग्रेजिंग लैंड्स थे, वो कंटिन्यूसली जो था, यानी कि एक तरीके से लॉस होते जा रहे थे, यानी कि सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों में एक तरीके से स्टेपीज तक फैला हुआ था। तो यानी कि औपनिवेशिक शासन काल से पहले, यानी कि जब तक कोई भी एक तरीके से कानून नहीं बनाया गया था, यानी कि उससे पहले, यानी कि जब तक कोई कानून लागू नहीं किया गया था, तो कहाँ से कहाँ तक एक तरीके से जो स्थान था वो फैला हुआ था, उत्तरी केनिया से लेकर तंजानिया तक। अब देखिए, हम तंजानिया के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। तो ब्रिटिश ने जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसके दौरान इलाके पर एक कब्जा किया था, जब जिसे मतलब एक तरीके से जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। तो साल 1919 में तांगानिया ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और साल 1961 में उसे आज़ादी मिली, जिसके बाद 1964 में जंजीर बार के विलय के बाद उसे तांजानिया का नाम दे दिया गया। तो तांजानिया को आप याद रखेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि जो ये क्षेत्र फैला हुआ था वो कहाँ तक, यानी कि कितना बड़ा, मानकर चलिए अभी एक पूरा क्षेत्र है। तो औपनिवेशिक शासन काल आता है, उसके बाद वो कुछ कानून जो है वो एक तरीके से उस पर लागू करता है, तो उसे कुछ क्षेत्र ये दे दिया गया। तो अब इसी क्षेत्र में, यानी कि अब ये जो हमारा क्षेत्र है उसे फिक्स कर दिया गया कि आपको इस क्षेत्र के अलावा अपने जो भेड़ बकरी हैं या मवेशी हैं, इससे बाहर आपको चराने की कोई भी अनुमति नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है। तो औपनिवेशिक शासन काल आने के बाद इस तरीके से कानून थोप दिए गए। तो 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका के कब्जे के लिए मारकाट जो थी वो शुरू कर दी, और बहुत सारे इलाके छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील कर दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तंजानिया से लेकर एक तरीके से केनिया तक ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र जो था वो फैला हुआ था। फिर हुआ क्या कि ये छोटे छोटे एक तरीके से 19वीं सदी में ये छोटे छोटे कुछ क्षेत्र जो थे वो फिक्स कर दिए गए। फिर उसमें हुआ क्या कि 1885 में ब्रिटिश केनिया और जर्मन तांगानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के दो बराबर टुकड़े कर दिए गए। मानकर चलिए एक पूरा का पूरा एक लैंड है, इसके दो टुकड़े कर दिए गए। तो जो सबसे अच्छा वाला एक तरीके से टुकड़ा था, जिसमें एक तरीके से नियमित रूप से बरसात भी होती थी और जहाँ पर अपने जानवरों और मवेशियों को चराने के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी थी, तो ये तो लोग गोरे लोगों को दे दिया गया। गोरे लोग यानी कि कौन थे? ब्रिटिशर्स, यानी कि जिनके अंडर ये पूरा का पूरा क्षेत्र आता था। और काले लोगों को एक ऐसा क्षेत्र अफोर्ड कर दिया गया, यानी कि ऐसा क्षेत्र दे दिया गया जिसमें ना ही तो समय पर कोई बरसात होती थी और ना ही वहाँ पर कुछ जानवरों के लिए पौष्टिक आहार मिलता था, यानी कि वहाँ पर समय पर कोई उपज ही नहीं हो पाती थी। और फिर ये क्षेत्र जो था फिक्स कर दिया गया, यानी कि इससे बाहर का जो क्षेत्र है वहाँ पर अपने जानवरों को चराना और अपने मवेशी और भेड़ बकरियों को चराना एक तरीके से गैर कानूनी था।
तो देखिए, तो उसमें कोले और काले और गोरे को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा। तो लगभग 60% जो हिस्सा था औपनिवेशिक शासन के बाद, तो उसमें ऐसे सूखे इलाके में कैद कर दिया गया जहाँ न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे पेड़ थे। तो देखिए, तो ये बहुत सारा जो इलाका था वो लगभग 14,760 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो मसाई के चारागाह जो थे उन पर कब्जा बना लिया गया था। तो जो काले लोगों को एक तरीके से क्षेत्र दिया गया था, तो कुछ इस प्रकार का वो क्षेत्र दिया गया था। तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि जो ये क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इतनी ज़्यादा ना ही तो आप उपज देख पा रहे होंगे और ना ही इतनी ज़्यादा हरियाली आप देख पा रहे होंगे। तो एक तरीके से जानवरों के लिए इतना ज़्यादा पौष्टिक आहार नहीं होता था। अब देखिए, इसमें दो कंडीशंस होती है कि जब एक तरीके से जानवरों को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, उनको एक अच्छा न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा, तो जानवरों की जो सेहत है वो लाजमी बात है कि उनकी बिगड़ेगी। और जब उनकी सेहत बिगड़ेगी तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, और पॉपुलेशन कम होगी तो उससे क्या होगा कि जो चरवाहे हैं उनके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। यानी कि कुछ लोग जो है वो चरवाहों का जीवन ही छोड़ देंगे, उससे क्या करेंगे, या तो कुछ लोग व्यवसाय करेंगे या कुछ लोग व्यापार करेंगे। तो ये दो ही कंडीशन साथ ही है। तो अब देखिए, तो आगे इसमें क्या बताया गया है। अब देखिए, तो सरहदें बंद हो गई। तो सरहदें बंद होने का मतलब क्या होगा, यानी कि द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, यानी कि 19वीं सदी में जो चरवाहे थे उनका एक खोज बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। यानी कि वो अपने चारागाहों की खोज में एक तरीके से बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वो अपने रेवड़ को लेकर किसी और जगह चले जाते थे। तो यानी कि एक तरीके से चरवाहों का जो जीवन था इसी तरीके से वो घूमतू बना रहता था। मानकर चलिए पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर एक चरवाहा है, वो उसने जहाँ पर अब चारा ख़त्म हो गया तो इसी स्थान में रह गया, और जो जानवरों ने एक तरीके से खाद किया है, यानी कि जो खाद किया है, तो खाद से कुछ समय बाद, मानकर चलिए 3 महीने बाद या 6 महीने बाद वो इसी स्थान पर लौट कर आते हैं, तो तब तक वहाँ की उपज हो जाती है और इसी तरीके से ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। तो उसमें हुआ क्या था कि लेकिन जो 19वीं सदी तक आखिर में दशकों में औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदी लगाने लगी। तो यानी कि जो वन्य एक तरीके से कानून बनाए गए और काफ़ी ज़्यादा जो कानून बनाए गए थे और नियम प्रतिपादित लोगों पर किए गए, यानी कि चरवाहों पर, तो उनके जीवन पर ये उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि जो मसाई की तरह अन्य चरवाहे हैं और विशेष आरक्षित इलाके की सीमाओं में कैद हैं, तो अब ये समुदाय इन पर आरक्षित इलाकों की सीमाओं के आर पार नहीं जा सकते। तो विशेष परमिट के लिए उन्हें जानवरों को लेकर बाहर नहीं जाना होता था, और ये जो परमिट इनको मिलता था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिलता था। यानी कि इतनी ज़्यादा आसान बात भी नहीं थी कि उनको परमिट मिल जाए। तो यानी कि एक तरीके से उनको तंग किया जाता था, और कोई भी नियम अगर पालन नहीं करता था तो उसके लिए कड़ी सज़ा सुनाई जाती थी। तो चरवाहे जो थे वो गोरे के इलाकों में पड़ने वाले बाज़ारों में दाखिल होने में भी रोक दिया गया, और बहुत सारे जो इलाके थे तो कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे, और बाहर से आए यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे, और उनकी नज़र में ऐसे लोग थे जिनके साथ काम कम से कम संबंध रखना उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों ने भी किसी भी तरह से संबंध न रखने में मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने और सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरे को इन कामों को श्रम का ही तो भरोसा था। नई सरहदों में चरवाहों की ज़िंदगी रातों रात बदल डाली, और नई पाबंदी और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, और वे छोटे छोटे इलाकों में खुद को कैद सब महसूस करने लगे। इसीलिए चरवाही और व्यापारी दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा, यानी कि बहुत बुरा एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ा। और चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी करते थे, और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों में उनका व्यापार बंद होता गया, लेकिन उस पर तरह तरह के अंकुश जो थे वो जरूर लग गए। तो यानी कि जब औपनिवेशिक शासन काल आया, तो इससे हमें एक ये चीज़ पता चलती है कि जब औपनिवेशिक शासन काल आया तो चरवाहों का जो जीवन था वो बंदिशों में बनकर रह गया, और जो उसी परिणाम स्वरूप डेवलपमेंट एक तरीके से जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट है, और क्षेत्रीय डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। परंतु अगर हम कृषि या अन्य
क्षेत्रों में देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें घटोत्तरी मिलती है। अब बात करते हैं जब चारागाह सूख जाते हैं, तो देखिए चारावाह सूखने का कारण, अब चारावाह कब सूखते हैं, अब चारावाह जो सूखते हैं एक तरीके से वो तब सूखते हैं जब नियमित रूप से बारिश नहीं होती और नियमित रूप से एक तरीके से प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक आपदाएं जिन्हें कहते हैं तो उनकी वजह से जब बारिश नहीं होती या कुछ इस तरीके की सूखा पड़ जाता है या अकाल पड़ जाता है तो जो चारा है यानी कि जो हरी घास है तो वो नहीं हो पाती। तो उसके कारण होता क्या है तो जानवरों पर एक काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, परंतु उससे भी ज़्यादा बुरा प्रभाव तब पड़ा जब औपनिवेशिक शासन काल आया था। तो औपनिवेशिक शासन काल आने के बाद इन गोरों लोगों ने यानी कि अंग्रेज़ों ने किया था कि काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां चरवाहों पर लगा दी थी। तो वो पाबंदियां किस प्रकार की थी, यानी कि एक क्षेत्र जो था वो आरक्षित कर दिया था, यानी कि उस आरक्षित क्षेत्र में ही केवल जो चरवाहे थे वो अपने जानवरों को चरा सकते थे। तो यानी कि कितना ज़्यादा एक तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन थे उनके पास कि वो उससे बाहर की सीमा में नहीं जा सकते थे, यानी कि उनको एक फिक्स्ड एरिया में ही अपने जानवरों को चराना होता था। तो उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि वो चारा जल्दी से ख़त्म हो जाता था और चारा ख़त्म होने के बाद वो दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे यानी कि पाबंदी रखने के कारण। तो ऐसे में हुआ क्या कि कई सारे लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान इससे रहने लगे। और 1930 की जांच से पता चलता है कि 7,20,000 मवेशी और 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे जो थे वो 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद और अकाल के बाद आधा से ज़्यादा जो जानवर थे उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि एक तरीके से किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मान लीजिए। और जो औपनिवेशिक शासन काल लागू किया गया था यानी कि जो कानून लागू किए गए थे उनके कारण आप मान लीजिए तो उनकी एक तरीके से मृत्यु हो गई थी। तो जैसे जैसे जगह सिकुड़ती गई और सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए तो बार बार आने वाले बुरे साल की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या जो थी वो लगातार अब घटने लगी। यानी कि 2 साल में तो आधे से ज़्यादा की जो आबादी जानवरों की थी उनकी घट गई और फिर धीरे धीरे डे बाय डे या डे मंथ बाय मंथ वो धीरे धीरे घटती ही चली गई। तो उससे काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट जो है वो चरवाहों पर यानी कि पूरे विश्व के चरवाहों पर पड़ा। तो अब हम बात करते हैं सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा तो इसका क्या मतलब है, तो नॉट ऑल वेयर इक्वली इफेक्टेड। तो औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के काफ़ी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी एक आया बदलाव के सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। तो औपनिवेशिक बनाने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। तो पहली श्रेणी थी एल्डर्स की, कौन सी थी, एल्डर्स की, और दूसरी श्रेणी थी वॉरियर्स की जिन्हें योद्धा कहते हैं। तो एल्डर्स का मतलब होता है वरिष्ठ, यानी कि वरिष्ठ जन जो था यानी कि वो शासन चलाते थे, यानी कि वरिष्ठ का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़े होते थे तो वो शासन चलाते थे यानी कि अपने कुटुंब और अपने समुदाय को बांध कर रखते थे। और जो योद्धा होते थे जो वॉरियर्स होते थे वो अपने एक स्थान को मानकर चलिए उनका एक क्षेत्र है तो वो उस क्षेत्र को बढ़ाने का काम करते थे। तो वो क्षेत्र किस तरीके से बढ़ाते थे, मानकर चलिए किसी के पास कुछ जानवर है तो उन जानवरों को वो लूटते थे। तो उन जानवरों को लूटने के बाद उनका जो क्षेत्र होता था वो अपने क्षेत्र को इस तरीके से बढ़ा लिया करते थे। तो यानी कि वो जानवरों को ही संपत्ति के रूप में उनसे लूटा करते थे। तो यहाँ देखें तो युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके ही वो अपनी बहादुरी का परिचय देते थे। परंतु औपनिवेशिक शासन काल आने के बाद जब कानून प्रतिपादित लोगों पर कर दिए गए यानी कि कानून थोप दिए गए तो जितने भी ये लोग थे यानी कि जितने भी समुदाय के लोग थे या आप चरवाहे उनको बोल लीजिए यानी कि जो चरवाहे थे उनका एक जीवन जो था वो इस तरीके का हो गया था कि बहुत सारे चरवाहों ने तो व्यवसाय या व्यापार अपना लिया था और बहुत सारे लोगों पर एक टैक्स की तरीके से यानी कि उनसे लगान वसूल किया जाता था और वो लगान वसूल करने के लिए वो उनसे मजदूरियां कराते थे या तरह तरह के वो काम कराते थे। तो इससे देखिए एक निष्कर्ष यही निकलता है, कॉन्क्लूजन यही निकलता है कि जो आधुनिक युग है वो आधुनिक युग में काफ़ी ज़्यादा जो बदलाव था वो चरवाहों के जीवन के बारे में आया। तो आज अगर हम अपनी करेंटली सिचुएशन देखें चरवाहों के जीवन के उस समय यानी कि 19वीं शताब्दी के दौर की अगर हम चर्चा करें या उसमें थोड़ा कंपेयर करें तो आज वर्तमान समय में हमें जो जंगल है
तो वो डे बाय डे या मंथली बाय मंथली या ईयर टू ईयर वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि कुछ लोग अपने व्यवसाय को छोड़कर, यानी कि मान लीजिए जैसे कोई चरवाहे हैं, यानी कि डंगर या ढोर, आप लोगों ने गाँव में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित शब्द होता है डंगर ढोर, यानी कि जो लोग जानवरों का दूध बेचते हैं लाइक दैट भैंस गाय, तो इन तमाम जानवरों का जो दूध बेचते हैं तो वो लोग इन कामों को छोड़ करके कुछ नए बिजनेस, जैसे काफ़ी सारे आज के टाइम में बिजनेस हैं तो काफ़ी सारे वो बिजनेस करते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करते हैं जिनसे उनकी जो पुरानी यानी कि जो जीवनचर्या थी वो अब वो नहीं जीते, अब वो एक तरीके से स्टैंडर्ड लाइफ को जीना ही पसंद करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो था वो पूरे विश्व पर पड़ा और कहीं ना कहीं इसके अच्छे प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं इसके बुरे प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर प्रकृति के रूप से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बुरे प्रभाव हम लोग इस पर देख सकते हैं, परंतु अगर हम थोड़ा डेवलपमेंट के नज़रिए से देखें, टेक्नोलॉजी के नज़रिए से देखें, तो काफ़ी कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको इसकी चैप्टर की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसमें देखिए तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। पहले तो ये कि जो इसमें चित्र दिए गए हैं तो आप लोग ये चित्र एक तरीके से पढ़ लेना, जैसे चित्र 18, चित्र 17, चित्र 16, यानी कि 14 से लेकर 18 तक आप ये चित्र पढ़ लेना पोज करके। तो उससे होगा क्या कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली समझ आ जाएंगी और जो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है यानी कि पूरा का पूरा आपको उसमें पता चल जाएगा कि शुरुआती दौर कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से पूरी घटना जो है वो किस तरीके से हुई। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप अपना जवाब कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको देखो ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।